चल आरुप सेकंड सेकंड इमोशनल हो गया बहुत ज्यादा। हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं आपका अश्विन एकदम ठीक खुश हूँ मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज RSFI का स्टेट का डे टू, आज ट्रैक इवेंट से शुरू हो रहा है। तो अभी आपने आरव की है 500 मीटर, तो पहले आरव की है, फिर 10 बजे के आसपास आरना की है, और मतलब 500 मीटर के और इवेंट्स भी होंगे, और 3000 मीटर भी है, और उज्ज्वल की भी अभी है 1 लैप पर वो रोड पे। तो अभी तो मैं आऊँ तो मैं आज दिखा दूँ क्या क्या होने वाला है। कल मेडल जीते थे, आज और भी ज़्यादा जीतेंगे। ये आरव की है, ये हीट्स बनी हुई है, ये क्वार्टर फाइनल है, तो पहली हीट जा रही है और ये दूसरी हीट है, और वो बैठा आ रहा हूँ डोक दे रहा है किसको, सूरज भगवान को। तो थोड़ी देर में इसकी भी रेस आने वाली है गाइस। अब आरव की शुरू हो गई फाइनल रेस। चल आरव चल खींच के देख। वहाँ की तो रेसेस खत्म हो गई, आरव के ब्रॉन्ज लगे, और अब मैं आ गया रोड पे, क्योंकि रोड पे यहाँ पे उज्ज्वल की रेस है 1 लैप की। तो अभी उज्ज्वल की है, फिर 10 बजे से शिवांश वगैरह की भी आ जाएगी, तो मैं वो दिखाऊंगा, पर अभी पहले उज्ज्वल को देखते हैं। ये उज्ज्वल की फर्स्ट हीट है, इससे शुरू कर रहा है ये आज की 1 लैप। इस वाले हीट में एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि फाइनल्स के लिए उसको आइडिया लग जाए कि कैसे भागना है कैसे, क्योंकि कल हमसे मिसकैलकुलेशन हो गई तो फोर्थ पे फिनिश किया। तो ट्राई करेंगे इस बार कि सही डिसीजन ले, तो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा है इस रेस में। वो वाली तो हो गई, जो हीट में सेकेंड आया, तो देख रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंट किया था फाइनल में कहाँ आएगा। ये इसकी सेमीफाइनल है, फर्स्ट सेकेंड क्वालिफाई होंगे फाइनल के लिए। मैच में द्विधा आती हुई और वापस जाती हुई। ये फर्स्ट पे क्वालिफाई हुआ है, उज्ज्वल सेकंड पे क्वालिफाई हो गया। नाउ मीट इन फाइनल। अनु भी आ गई आज, इसकी 3000 मीटर है, तो थोड़ी देर में वो भी शुरू होने वाली है, और उज्ज्वल की अब फाइनल है, फाइनल के लिए जाएगा। गाइस अब ये वैसे भाग ले जैसा हमने प्लान किया है, जैसा हमने सोचा है ना, बस वैसे भाग जाए। और फाइनल रेस है इनकी 1 लैप की। चलो उज्ज्वल की शुरू हो रही है। आनू की सबसे पहले आनू की है, 1000 मीटर वाला आ गया, शिवांश आ गया, वान्या आ गई, आनू आ गई। आनू का कॉल हो गया और वान्या भी रेडी हो रही है, थोड़ी देर में शिवांश भी पूरा। शिवांश ये नंगे भजंगे आ गए भाई, स्ट्रीक मेंटेन करेगा गोल्ड गेम। भर देगा गोल्ड, ठीक है। और लग रहा है कोई भी किसी कोई इंजर्ड हो गया तो ये एम्बुलेंस आई है उसके लिए। और ये आनू की रेस अब शुरू होने वाली है, 3000 का डायरेक्ट फाइनल होता है, तो फाइनल होने वाला है। और ये आनू का वन ऑफ द फेवरेट इवेंट है। ये 300 मीटर इसकी शुरू हो गई, बिड़ते लीड ओवरलैप करेगी लग रहा है। ये पहला लैप है गाइस, और ये पहले लैप पे इतनी लीड है, 100 मीटर के पहले लैप पे लीड है, अभी पता नहीं कितनी लीड और बनाएगी। बढ़िया आरू चल दे रही है सेकंड लैप। चल 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 Thank you.
गोल्ड जीत लिया, पर पहली बार भाई मुझे लगा कि कोई बंदा भाग रहा है इतना प्यारा। सच में धड़कने बढ़ा दिया। अभी क्या हो गया? अरे तेरे को क्या हो गया? इमोशनल हो गया बहुत ज्यादा। क्योंकि आनू के गोल्ड है और मेहरा के सिल्वर है, वो दोनों हमारी बच्ची है। तो वो उसने पहली बार इतना अच्छा आनू को टक्कर दी है, कोई नहीं देता पूरे ऐसा में उसमें भी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा था, पागल रोड़े लग गया। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, कोच होता है। मेहरा नाइस, वेरी गुड, नाइस। अंदर आ जाओ। इतना कैसे एग्जॉस्ट हो गई? इतना एग्जॉस्ट कैसे हो गई? पता नहीं, मैं शुरू होती हूं। नाइस गाइस, अब 3000 मीटर शुरू हो रही है और इसके अंदर गर्ल्स हैं, अपनी दोनों हैं वान्या और अयाना। ये तीनों हैं तो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज हो जाएगा इनका। और ये एकदम ढीले भागेंगे अभी तरीके से, जिनको मैं शूट नहीं कर रहा, ये ऐसे भागेंगे पूरे टाइम। धीरे धीरे बोरियत भरी रेस होगी इनकी। फाइनल लैप है, चल इसकी रेस में आएंगे, इसमें आएंगे मजे, इसके में आएंगे वापस वो दानव लड़ने वाले सारे। और ये तो मेरे को बताया क्या रिजल्ट आएगा, गोल्ड सिल्वर अपने आएंगे इसमें, तो इसमें मैं ज़्यादा दिमाग लगा रहा। अब शिवांश की है फिर अनुष्का की। नाइस, कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेट्स। तो बस अभी ये तो हो गया अवान्या के गोल्ड, अयाना के सिल्वर, और अब शिवांश की शुरू हो गई है वापस से। शिवांश की भी डायरेक्ट फाइनल है, सबसे मैं शुरू हो रही है जूनियर्स की 3000 मीटर। ये 3000 मीटर शुरू हो गई है। ये ओवरलैप हो चुका है और अभी पकड़ के चल रहे हैं। ये होती है रेस। अब शिवांश ब्रेक अवे देगा थोड़ी देर में मुझे लग रहा है। ये सबसे ज्यादा एक्साइटिंग रेस है, ये फाइनल लैप है। चल शेरा, नॉक टू नॉक चल रही है ये वाली रेस भी। वो शिवांश खिंचवाएगा ना, अब वो फेलेगा, जहां तक वो फेल देगा। खुल दिया खुल दिया खुल दिया, हमेशा की तरह। सेकंड सेकंड और गोल्ड, दो गोल्ड एक सिल्वर। ये तो फेवरेट इवेंट था, इसमें तो पहलेगा वो, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और एग्रेशन देख रहे हो, इसी एग्रेशन की बात कर रहा था मैं, क्या आपको, आप क्या अपने रिंग पे अपने फील्ड पे कर सकते हो, जो इम्पोर्टेंट है। स्वाद आ गए। अब एक और बाकी है, वो भी ले आना, कोई और नहीं हो पर तू ले आना तेरा। लास्ट रेस है आफ्टरनून की अनुष्का की, आज की लास्ट रेस है, उसके बाद फ्री हो जाएंगे। अरे इसके तो मेडल आ गया गोल्ड, इसके सिल्वर आ गया, उसके उसके ब्रॉन्ज आ गया, तो गोल्ड आ गया, गोल्ड आ गया। एक हमारी आनू, इसके गोल्ड आ गया, और एक वो भाग रही, वो भी गोल्ड लेने गई है। अभी देखते हैं क्या होगा। पर सबसे मस्त रेस एक तो इसकी हुई है और एक उसकी हुई है। इनके तो ये भागे थे, ये तो ऐसे भागे थे कि भगवाओ क्यों है, इनको भगाई में खड़ा करवा देता अगर मेरा बस चलता था। कांग्रेट्स, गिर गई थी यार, फोर्थ फिफ्थ लैप में गिर गई थी। हमको लग रहा है कि यार ये इसने पेस डाउन क्यों कर दिया, खींच भी नहीं पा रही जबकि स्प्रिंट मार रही है। फिर पता चला है कि वो टर्निंग पे गिर गई थी, हमको यहाँ से दिख नहीं रहा था। तो फिर उसने सेकंड फिनिश किया। शिवांश का गोल्ड हो ही गया, अयाना के सिल्वर है, वान्या का गोल्ड है, आनू का गोल्ड है, और आरव का ब्रॉन्ज है आज। तो अभी मॉर्निंग तक का तो ये अपडेट है, अब इवनिंग में फिर चलेंगे, फिर देखते हैं क्या होते हैं। तो अभी तो यहाँ से तो सारा खत्म हो गया। हाँ तो गाइस, मैं इवनिंग में आ गया था, आके रेस्ट भी कर लिया और अब रेडी भी हो गया। अब इवनिंग में चलना है, इवनिंग में आज आरव की रेस है, आरव की नहीं उज्जवल की रेस है 500 मीटर, और उसके बाद आज सिर्फ उज्जवल की रेस है क्वाड़ी की, और मेडल सेरेमनी भी है 5:30 बजे। तो बस अब वहाँ चलेंगे, मेडल्स वगैरह उठाएंगे, और उज्जवल की रेस है तो वहाँ भी होना ज़रूरी है। तो
तो वो सब करेंगे। तो अभी मैं थोड़ी देर में निकलूंगा। एक चीज और कि अभी मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप भी समझ सकते हो अभी मैं पूरे दिन मेरा स्केटिंग में चल गया था टूर्नामेंट में, तो मुझे टाइम नहीं मिलता सब कुछ। मैं पढ़ सारे रहा हूँ पर अभी कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए वो सारे। मैं धीरे धीरे कर दूंगा, पर एटलीस्ट मैं आज और कल थोड़ा सा बिजी हूँ, यहाँ से फ्री हो जाऊँ फिर मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, वो शाउट आउट के लिए इतने सारे नाम आ गए और इतने सारे कमेंट्स आ गए कि मैं देख ही नहीं पा रहा कि किसका शाउट आउट है किसका शाउट आउट है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी मैं इस वीडियो को डालने के जस्ट बाद एक पोस्ट रिलीज करूंगा और पोस्ट देख लेना, उस पर पोस्ट के ऊपर अपना नाम भर देना ताकि मेरे को एक ही जगह सारे नाम मिल जाए। अब मैं कमेंट्स में देखूंगा कब तक बहुत सारे कमेंट है, कहाँ तक नाम देखूंगा, तो उसमें अपने अपने नाम डाल देना तो मैं शॉर्ट आउट दे दूंगा। तो आज का शॉर्ट आउट तो मैंने निकाल लिया है, वो है अमित पटेल के लिए। हे अमित पटेल, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से स्केटिंग कर रहे होंगे, एकदम सब कुछ स्मूथ चल रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही खेलें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मैं प्रे करूंगा आपके लिए कि आप और अच्छा परफॉर्म करें, और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे डायरेक्ट बात करें। तो बस अभी थोड़ी देर में निकलते हैं वापस से ट्रैक पे और फटाफट फटाफट से धमाके मचाते हैं। कल का लास्ट दिन है तो कल और भी मच जाएंगे। तो आज शिवांशना का भी यहाँ पे भी गोल्ड हो गया, और मान्या अयाना का गोल्ड सिल्वर हो गया, अनुष्का का सिल्वर हो गया, आरव का ब्रॉन्ज हो गया और अनु का गोल्ड हो गया। शिवांश की और अनु की शिवांश की और अनु की आज जो रेसेस हुई वो बहुत नॉक टू नॉक हुई, बहुत मस्त रेस हुई। मतलब शिवांश ने तो एंड में गैप ठोक दिया था, वो तो ऐसे ही खेलता है, पर अनु की रेस बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी, एकदम पास एकदम पास पास में चल रहे थे। तो फिर अनु जीत गई, अच्छी बात है। फटाफट ट्रैक पे चलते हैं, ट्रैक पे चल के देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ऐसे अब इसकी रेस बची है तो आप फटाफट से इसकी रेस करवाएंगे फिर आज के लिए तो फ्री। और मेडल सेरेमनी अभी चल ही रही है, तो अभी मेडल्स मिल रहे हैं और कुछ मेडल मिलेंगे, तो अभी फटाफट इनकी रेस खत्म करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ मेडल निकालें। गाइस ये देखो, अब मेडल जीत रही है, ये अयाना का मेडल है, अयाना गोल्ड और उदयपुर सिल्वर और ये फुलेरा थर्ड। हम यहाँ से मेडल सेरेमनी देखेंगे, मेडल सेरेमनी एंजॉय कर रहे हैं। ये जा रहा है एक हमारा चिंटू, और ये हमारे चिंटू का मेडल आ गया। ये जिप क्यों खोल के रहते हैं, ये बी और के बीच में जिप क्यों खुली हुई है, ये स्टाइल है या मतलब गर्मी लग रही है, क्या हो रहा है, ये क्यों है ये ऐसा, आप बताइए। ये फिर खुल गया, चक्कर क्या है भाई ये। अरे ये अनु नीचे क्यों खड़ी है भाई, वो लाइटें चलेगी और ये ह्यूमन नेचर है चिल्लाने का। ये ह्यूमन नेचर होता है गाइस, लाइट जाते हैं चिल्लाने का। आप कितने बड़े हो जाओ, कितने समझदार हो जाओ, पर ये बनता है। लैप लगा रहे हैं, लाइट नहीं आ रही है पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, वो ये आईफोन है इसलिए इसमें उजाले में दिख रहा है कि वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उजाला, पर इतना भी नहीं हो रहा है, उज्जवल बैठा है तो उजाला हो रहा है। पर यहाँ पे एक्चुअल में इतनी लाइट नहीं है, पता नहीं आईफोन में थोड़ी सी इनहेंस कर देते हैं ब्यूटी। ये देखो ये जा रहे हैं और लैप्स लगा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे अभी लाइटें चले गई, लाइटें एक्चुअली भेजी गई है, काट दी है, क्योंकि यहाँ कोई ऑफिशियल्स के साथ या पता नहीं जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं या जिसका ट्रैक है उनके साथ कोई बात हो गई, तो इसलिए लाइट ही उड़ा दी। अब ये टूर्नामेंट ये रुक, इनकी रेस होने वाली है। मैं लड़के आया हूँ। अरे लड़के नहीं आया भाई, ये इसके यहाँ छिल गया यार। ये देखो साला, ये इतना बेकअप भैया चीज़ है, अंधेरे में बेचारा ऊपर चढ़ रहा था, टांग अटकी और हाथ छिल गया इस पर, बेचारे के लग और गए यहाँ पे। अरे आर एस एफ आई भरेगा क्या इसका भुगतान, बेचारे की इतने गंदे छिल दी। टैग क्या करें, क्यों साले लाइटें तो आ नहीं रही, पूरा ट्रैक खाली पड़ा है, पूरे राजस्थान में इंसल्ट करवाने वाले काम कर रहे हैं। ठीक है अब देखते हैं, अगर लाइट आ जाए तो ठीक है, वरना चलते हैं अब तो घर, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। इसका मूड नहीं था भागने का, पर गर्ल्स नहीं बॉयज, चल तू भी रेडी हो जा, पर अब ये भागेगा, अभी इसको भगाएंगे हम और मेडल जितवाएंगे हम। ये हीट चल रही है, इसके बाद उज्ज्वल की आने वाली है अपने, उज्ज्वल आ गया लाइन पे, दिख रहा होगा आपको अपने स्क्रीन शॉट में। सेमीज में तो
सेकंड फिनिश के बहुत एकदम क्लोज फिनिश था फर्स्ट के साथ, तो अब देख रहे हैं कि फाइनल्स में भी ये सभी हैं तो फाइनल्स में भी सही फिनिश हो। कह रहा था ना घर नहीं जाएंगे ले गया ना। हाँ भाई अब खाना खा लेगा, तेरे को कह रहा था ना ये करके चलते हैं, हो गया ना क्लियर। ये गधा कह रहा यहाँ पे चल, तो ये गधा कह रहा कि रेस नहीं करते हैं भैया घर चलते हैं, यार मन नहीं कर रहा है। तो मैं कह रहा कि नहीं नहीं आए तो करके तो जाएंगे, और मैं डल लेके जाएंगे और देख लो सीधा गोल्ड ही फूट दी, और वो भी अच्छी लीड से गोल्ड फूटा। अब तो चिल्ला तू रहा था क्या वहाँ पे? हाँ, मैंने चिल्लाया था क्या वो? हाँ। मैं देखा भाई कितना एग्रेशन आ रहा है। चलो आज के दिन की समाप्ति बड़ी मस्त हुई है, फाइनली गोल्ड आ गया इसके भी। अब कल मिलेंगे और गोल्ड के साथ, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय।